हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ अ लॉन्ग नैरो एंड कॉइल्ड ट्यूब, एक ट्यूब की तरह होती है जो कि बहुत नैरो होती है और लंबी होती है। ये साइज में लंबी होती है लेकिन इसकी जो विड्थ होती है वो बहुत छोटी होती है, नैरो होती है, इसीलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे स्टमक से शुरू होती है और ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर एंड हो जाती है। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 meters होती है। हमारा जो फूड होता है उसकी मोस्ट ऑफ द डाइजेशन और जो एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। सो हेयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देर इज़ अ कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 parts होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम के अंदर मोस्ट ऑफ द जो डाइजेशन होती है वो कंप्लीट होती है। जुजेनम, थर्ड पार्ट होता है इलियम। इलियम के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं, और इन विलाई की हेल्प से फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस पार्ट ए, दिस इज़ कॉल्ड द स्टमक। ये स्टमक से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। स्टमक, ये जो पार्ट है, पार्ट बी, इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम के अंदर हमारी डाइजेशन होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नाउ इट्स ग्रीन पार्ट, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी, इसको हम बोलते हैं जुजेनम। एंड द पार्ट 3D, दैट इज़ कॉल्ड ईलियम। ईलियम के अंदर ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, और ये टिश्यूज ब्लड वेसल्स से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं जिससे कि जो फूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट पहुँच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। सो इफ़ एनीवन आस्क यू विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल और योर डाइजेस्टिव सिस्टम, सो यू विल बी आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है, बट इट्स ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है, एक होलो पार्ट होता है, जैसे एक पाइप होता है उसका जो अंदर का सराउंडिंग एरिया होता है, होलो पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। सो इसीलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, लेकिन जो उसका होल होता है, जिससे दैट मीन्स ट्यूबुलर होलो पार्ट जो होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा होता है, इसीलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो होलो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि लीवर है, पेनक्रियाज है, उसमें से जो सिक्रीशंस होती हैं वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती हैं। इन सिक्रीशंस के अंदर, लीवर एंड पेनक्रियाज की जो सिक्रीशंस होती हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ड्यूडेनम इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस। जुजेनम के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। ईलियम इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ईलियम की जो इनर वॉल होती है उसके अंदर फिंगर लाइक टिश्यूज निकलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनको हम विलाई कहते हैं। इन फिंगर लाइक टिश्यूज़ को हम विलाई कहते हैं, और हर विलाई जो होती है उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शंस इवॉल्व होते हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। सो दैट मीन्स विलाई से माइक्रोविलाई, माइक्रो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इवेक्यूएट होती हैं। ये जो विलाई और माइक्रोविलाई हैं ये ईलियम के अंदर सरफेस एरिया को बड़ा कर देती हैं। अब सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर विटामिन्स, मिनरल्स, तो उनके लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन जो होती है न्यूट्रिएंट्स की वो शुरू हो जाती है। ईलियम्स की हेल्प से जो होलो पार्ट होता है, होलो पार्ट जो होता है उसको हम ल्यूमेन से डिनोट कहते हैं,
ये जो ल्यूमेन है, इलियम के अंदर भी ल्यूमेन होता है, ये जो ल्यूमेन है दैट इट्स होलो पार्ट जो होता है इलियम का, वो विलाई की प्रेजेंस होने से छोटा हो जाता है, क्योंकि अब वहाँ पे उस होलो पार्ट के अंदर विलाई प्रेजेंट है, तो इस वजह से जो उसका सरफेस एरिया है वो, या फिर जो ल्यूमेन है अंदर का, वो छोटा हो जाता है। इमेजिन दिस इज़ योर ट्यूबलर स्ट्रक्चर ऑफ इलियम, इमेजिन, एंड इसके इसको हम बोलते हैं, इस सर्कुलर पार्ट को जो होलो पार्ट है उसको हम इलियम कहते हैं, अब इस सॉरी ल्यूमेन कहते हैं। जो ल्यूमेन होता है, ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम ल्यूमेन कह रहे हैं। अगर इस ल्यूमेन के अंदर, ये जो हमारा ल्यूमेन है इसके अंदर अगर विलाई प्रेजेंट है, इससे छोटे छोटे विलाईज प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा कि जो सरफेस एरिया है वो तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ल्यूमेन जो है उसका साइज कम हो जाएगा। यहाँ पे जो ल्यूमेन है उसका साइज कम हो जाएगा। सो विलाई रिड्यूस द ल्यूमेन ऑफ द इलियम सो दैट फूड कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम इनसाइड इट। इसकी वजह से जो होलो पार्ट होता है इलियम का, वो छोटा होने की वजह से फूड इसके अंदर ज़्यादा देर तक रुकता है, और ज़्यादा देर रुकने की वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाती है। ये विलाई जो होती हैं, दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी, जहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं एज अवर एनर्जी, अवर मेटाबॉलिज्म एंड अवर मेंटेनेंस रिपेयर। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि हमारा फूड यूज्ड हो रहा है। एसिमिलेशन मींस इट इज़ द फूड इज़ यूज्ड बाय अवर सेल्स फॉर द एनर्जी मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी सेल्स एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। लीवर, लीवर इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। लीवर के अंदर बाइल जूस होता है, लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड होता है। देखिए जो सिक्रीशन होती है बाइल जूस की वो लीवर से होती है, लेकिन उसका जो स्टोरेज होती है वो गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। बाइल जूस ये एक येलो कलर का येलोइश ग्रीनिश लिक्विड होता है जो कि लीवर सिक्रीट करता है, इसको हम बाइल जूस कहते हैं। इसकी जो नेचर होती है ये अल्कलाइन होता है। बाइल जूस का मेन फंक्शन होता है कि हमारे फैट को इमल्सिफाई करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। देखिए अब तक हमने जो ड्यूडेनम जो हमने देखा था स्टमक तक, कोई भी फैट की डाइजेशन शुरू नहीं हुई थी, कंप्लीट डाइजेशन शुरू नहीं हुई थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस। यहाँ पे इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इमल्सिफिकेशन इट इज़ द प्रोसेस जिसमें जो फैट होता है, फैट ग्लोब्यूल जो लार्ज साइज का होता है, उसको छोटे साइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो स्मॉल ग्लोब्यूल होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस। आपने देखा होगा जो फैट होता है उसका मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फैट का बहुत बड़ा होता है, लेकिन इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से एक स्मॉल ग्लोब्यूल बनता है जिसका स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये स्ट्रक्चर वाटर सॉल्यूबल होता है बाय द एक्शन, और ये सब किसकी वजह से होता है? बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस। नाउ फिर बाद में जब ये स्मॉलर ग्लोब्यूल्स जो बनते हैं उन पे लाइपेज जो होता है वो एक्शन करता है, लाइपेज इन फैट को, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स को, फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। बाइल जूस अल्कलाइन होता है नेचर में, इस वजह से जो हमें स्टमक, हमें पता है स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट था, तो वहाँ से जो फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो बाइल जूस की हेल्प से जो एसिडिटी होती है, जो चाइम होता है डाइजेस्टेड पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो हमें स्टमक से मिलता है उसको हम चाइम कहते हैं, तो जो एसिडिटी होती है उस चाइम की वो बाइल जूस की हेल्प से कम हो जाती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेनक्रियास, पेनक्रियाज एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्टमक, स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, और इस पेनक्रियास के अंदर भी पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट होता है। जैसे कि लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, इसी तरह से पेनक्रियास पेनक्रेटिक जूस को सिक्रीट्स करता है इन टू द ड्यूडेनम, क्योंकि मेनली जो डाइजेशन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? ड्यूडेनम में हो रही है। पेनक्रियास भी अपने सिक्रीशंस दे रहा है ड्यूडेनम में, और लीवर भी जो है अपनी सिक्रीशंस ड्यूडेनम में दे रहा है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो
पेनक्रियाटिक जूस होते हैं वो ड्यूडेनम के अंदर एक डक्ट के थ्रू जाते हैं जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक जूस भी एल्कलाइन होता है नेचर में और इसकी पीएच 8 होती है। दिस इज़ द फिगर इन विच यू कैन सी दिस इज़ द स्टमक, दिस इज स्टमक और स्टमक के बिल्कुल नीचे ये पेनक्रियाज जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। दिस इज़ अवर पेनक्रियाज और पेनक्रियाज के बिल्कुल नीचे ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है। इसमें आप देखिए जो स्टमक है, स्टमक यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे जो पार्ट होता है स्टमक का यहाँ से ये ड्यूडेनम शुरू हो जाता है। ड्यूडेनम के अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं जिसके पेनक्रियाज है, लीवर है, ये अपनी सिक्रीशंस ड्यूडेनम के अंदर देते हैं। आप देख सकते हैं कि डक्ट दी हुई है, ये लीवर से जाने वाली जो ट्यूब होती है जो कि अपनी सिक्रीशंस या ड्यूडेनम में प्रोवाइड कर रहा है इसको हम बोलते हैं हिपेटिक डक्ट। और पेनक्रियाज भी जो है एक डक्ट के थ्रू अपनी जो सिक्रीशंस है वो ड्यूडेनम में दे रहा है इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। तो इन दोनों के जो सिक्रीशंस हैं इन डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम के अंदर जाते हैं जहाँ पे डाइजेशंस ऑफ स्टार्च और सॉरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स टेक्स प्लेस। लीवर के पास में ये गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस होता है वो टेम्परेली स्टोर किया जाता है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं विच आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। पेनक्रियास के अंदर दो ग्लैंड होती हैं, इनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो पेनक्रियास के अंदर दो ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती है थ्रू द पेनक्रियाटिक डक्ट टू ड्यूडेनम। सो हम इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये हमारी यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड भी पेनक्रियाज से ही निकलती है लेकिन ये यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस नहीं सिक्रीट करती, ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है। मेनली पेनक्रियाज के अंदर दो हॉर्मोन्स बनते हैं, एक होता है ग्लूकागन एंड सेकेंड इज़ इंसुलिन। आप जानते हैं कि इंसुलिन जो होती है वो हाई ब्लड शुगर लेवल को लो करने में हेल्प करती है। इसी तरह से जो ग्लूकागन होता है, ग्लूकागन हमारी जो लो शुगर ब्लड शुगर लेवल है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो वी कैन से बोथ दीज हॉर्मोन्स हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। पेनक्रियास के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, देखिए पेनक्रियास के अंदर सबसे पहला एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। हमने एमाइलेज नेम पहले भी सुना है, एमाइलेज हमने सलाइवरी एमाइलेज भी सुना था जो कि हमारे माउथ में सिक्रीट होता था, ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता था सलाइवरी एमाइलेज जो कि स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता था। यहाँ पे जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है ये स्टार्च ग्लाइकोगन जैसे हायर मॉलिक्यूल्स को, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को डाइसैकेराइड्स मेल्टोज में कन्वर्ट करता है। प्रोटीएसेस, प्रोटीएस एंजाइम्स के अंदर आते हैं जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पेप्टाइड्स में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड होते हैं जैसे कि आरएनए, डीएनए, इनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। वो ऐसे करता है, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं डीएनए, आरएनए, इनके अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं, इन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ कर ये आरएनए और डीएनए को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज, लाइपेज एज इट नेम सजेस्ट, ये जो बाइल होता है जो हमारे लीवर से निकलता है उसमें जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब जो ये स्मॉलर फैट ग्लोबुल्स होते हैं वो लाइपेज की हेल्प से फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो लाइपेज कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। पहले बाइल जूस की हेल्प से जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है हमारा जो फैट होता है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर
स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज ये फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं विच आर रेडिली अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन इन अवर बॉडी। इंटेस्टिनल जूस, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज जो होता है वो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। अभी हमने पहले जो लीवर से हमें सिक्रीशंस मिल रही थी, जो पेनक्रियास से हमें सिक्रीशंस मिल रही थी, उसमें कैसे डाइजेशन हो रही है वो हमने पढ़ा था। तो जो पेप्टाइडेज, जो ट्रिप्सिन प्रोटीएसेस, जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, अब जो इंटेस्टिनल जूस है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो जूस के अंदर भी जूस प्रेजेंट होते हैं, वो पेप्टाइड को विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडेज की हेल्प से अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंटेस्टिनल जूस के अंदर, इंटेस्टिनल जूस दैट मीन्स द जूसेस विच आर प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन, दे कंटेन द एंजाइम्स पेप्टिडेज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें कई तरह के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दैट मीन्स विच क्लीवेज द कार्बोहाइड्रेट। सो हमने भी देखा था कि पेनक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से, जो पेनक्रियास से ड्यूडेनम में एंजाइम्स जा रहे थे, दैट इज़ पेनक्रियाटिक एमाइलेज, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था। अब इंटेस्टिनल जूस जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेल्टेज की हेल्प से उस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट होती है उनको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। इंटेस्टिनल जूस के अंदर सुक्रेज भी प्रेजेंट होता है, जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। एंड लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट होता है, इमल्सिफाइड जो फैट होता है उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पर हमारी प्रॉपर डाइजेशन शुरू कंप्लीट हो जाती है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स आर कंप्लीट हेयर। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो गई, अब नाउ वी कम टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जैसे हमने कहा था, देखिए लेंथ कम होती है, लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, वो लेंथ के बेसिस पे नहीं, उसकी विड्थ के बेसिस पे उसको लार्ज और स्मॉल कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर होती है, एंड हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 6-7 मीटर थी, और लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ है 5 सेंटीमीटर। लार्ज इंटेस्टाइन में 4 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलन, कॉलन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। लार्ज इंटेस्टाइन, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में इस पोर्शन को हम बोलते हैं इलियोसीकल वेल्व। दिस इलियोसीकल वेल्व इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इस वॉल्व की हेल्प से कनेक्ट होती हैं। नाउ दिस इज द सिक्रीशन, नाउ सीकम, दिस पार्ट इज नोन एज सीकम, दिस इज अवर असेंडिंग कॉलन। ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉलन। अब कॉलन की पोजिशन की बेसिस पे इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि दिस इज अवर असेंडिंग कॉलम, दिस इज अवर डिसेंडिंग कॉलम, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कॉलम। इट इज कमिंग डाउनवर्ड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग कॉलन। एंड दिस इज अपेंडिक्स विच इज अवर वेस्टिजियल ऑर्गेन। नाउ दिस इज रेक्टम एंड एनस, एंड विच इज मूव्स हॉरिजॉन्टली, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉलन। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी कॉलन मेन पार्ट जो होता है, मेजर पोर्शन इसमें कॉलन का होता है, जिसको हम असेंडिंग कॉलन ट्रांसवर्स कॉलन, और इसको हम डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। एंड दिस इज सिग्मॉइड कॉलन, इसको हम बोलते हैं जो थोड़ा सा स्लेंट है, इसको हम सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। सिग्मॉइड कॉलन के बाद रेक्टम आता है, एंड देन एनस और एनल कैविटी। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होता है, उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, और उसका जो लेंथ होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होता है।
व्हाट इज इजेशन और डिफिकेशन? लार्ज इंटेस्टाइन को समझने के लिए हमें डिफिकेशन का पता होना चाहिए. डिफिकेशन, दिस सेमी सॉलिड फूड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम फॉर सम टाइम, देन इट इज एलिमिनेटेड एज फीकस फ्रॉम द बॉडी. दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. जो हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है उसको हम डिफिकेशन या फिर इजेशन कहते हैं. इजेशन से पहले जो फूड होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कुछ देर के लिए रेक्टम में स्टोर्ड किया जाता है. दिस इज़ द रेक्टम पार्ट वेयर द फूड इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम एंड देन आफ्टर इट्स एक्सपेल आउट बाय द एनस. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब्ड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है. यहाँ पर जो वाटर या जो मिनरल्स होते हैं फूड के अंदर, उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, वो रीअब्सॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. एंड द कॉलोन जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है. जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनअब्जॉर्ब फूड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलोन जो वाटर होता है उस अनअब्जॉर्ब फूड में से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. अब जो ये वाटर भी उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ ईलियम जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं. लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद जो वाटर है वो डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लिया गया है. अब जो फूड रह गया है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इट इज़ लाइक अ वेस्ट. सो वो भी हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन. थैंक यू. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द वीडियो. थैंक यू.